नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा सबसे पहले बात माननीयों के वाक युद्ध की। सदन में आज नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के भी जमकर तूतू मैमे हुई है। हेमंत सोरेन ने नगर विकास मंत्रालय में गड़बड़ी का मामला उठाया तो मंत्री सीपी सिंह ने हेमंत सोरेन पर एक के बाद एक कई आरोप जड़ दिए। जेएमएम की सियासत गाली गलौज पर आई। ऐसी बातें नहीं है, मुझे गाली नहीं देने आती, गाली गलौज की भाषा हमें नहीं आती। दो दो हाथ से फरियाएंगे सियासी झगड़ा। दो दो हाथ करने भी नहीं आती, हमने चूड़िया नहीं पहन रखी है। तो अब झारखंड में सियासी झगड़ा फरियाने के लिए गाली गलौज आना चाहिए, दो दो हाथ करने की हिम्मत होनी चाहिए, शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के इस बयान से ऐसा ही लगता है। ऐसी बातें नहीं है, मुझे गाली नहीं देने आती, गाली गलौज की भाषा हमें नहीं आती, या फिर दो दो हाथ करने भी नहीं आती, हमने चूड़िया नहीं पहन रखी है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की जुबानी मर्यादा यूं ही नहीं टूटी। पहले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की तस्वीरें देखिए, कैसे सदन में माननीयों के बीच तीखी बहस हो रही है। तू तू मैमे पर माननीय उतारू हैं, अध्यक्ष के लाख कोशिश के बाद भी न तो विपक्ष शांत हुआ, न ही सत्ता पक्ष की तरफ से धैर्यशीलता दिखाई गई। और इन सब के बीच नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोल दिया। सीपी सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष ने आज तक जानने का काम किया क्या? नेता प्रतिपक्ष को अगर नगर विकास की सारी बातें पता हैं, तो उजागर क्यों नहीं करते? क्या चक्कर है, कमीशन खाना चाहते हैं क्या? मेन हट से जो पैसा आए हैं वो भी निकलवाएंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष को नगर विकास की सारी बातें पता है तो इसको उजागर क्यों नहीं करते हैं? किसने रोका है? क्या आप कमीशन खाने के चक्कर में है? क्या आप कमीशन खाने के चक्कर में है? क्या सदन में सीपी सिंह के ताबड़तोड़ हमलों पर ही सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष का सब्र टूट गया। वहीं चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खेती किसानी का मुद्दा उठाया और कृषि मंत्री पर हमला बोला। कल हल्की फुल्की क्या बारिश हो गई महोदय, मंत्री जी झूमने लगे, मीडिया में झूमने लगे कि बारिश हो गया, पूरा सुखाड़ है महोदय। अभी मैं गया था किसी गांव में और मैं किसानों से मिला, इतना दुखदर्द सुनाया महोदय, कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस विधायक के आरोप पर कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि इरफान अंसारी बहुरूपिया हैं, वेश बदल कर जनता को गुमराह करते हैं। आने वाले दिनों में बहुत इरफान अंसारी बहुरूपिया हैं और बहुरूपिया के भेष बदल बदल के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव में खुद उखड़ जाने वाले हैं। वहीं सदन में जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो ने झारखंड में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के नियुक्ति का मामला उठाया। जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है उससे झारखंडियों को न्याय मिलने से रहा, स्थानीय लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। जबकि नेता विपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि 4 साल में हुई नियुक्ति की सीबीआई जांच हो। शोर शराबे और हंगामे के बीच प्रश्नकाल का एक और दिन यूं ही बर्बाद हो गया। अब कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है, देखना होगा आखिरी दिन माननीयों का क्या रुख होता है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। यौन शोषण मामले में फरार चल रहे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव आज देवघर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। प्रदीप यादव के वकील की दलील है कि राजनीतिक साजिश के तहत विधायक को फंसाया गया है, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
अपनी ही पार्टी की महिला नेता से महापाप के आरोप में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने सरेंडर कर दिया है। यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे प्रदीप यादव आखिरकार सलाखों में पहुंच गए। हालांकि सरेंडर करने से पहले जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी और सरेंडर से बचने की लाख जतन की। पहले देवघर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, देवघर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। तो प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, हाई कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दिया। न्यायालय ने बेल का पिटीशन खारिज किया है और अब हम लोग इस न्यायालय के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में बेल के लिए पिटीशन खारिज। लूटा केस है, राजनीतिक विद्वेष से किया गया है, 13 दिन के विलंब से केस खारिज किया गया बिना किसी कारण के। 16 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिसके बाद से जेवीएम विधायक प्रदीप यादव लगातार फरार चल रहे थे और आखिरकार 25 जुलाई को प्रदीप यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कानून है, कानून के साथ सबको भरोसा करना चाहिए और उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए कोर्ट का मामला है और कोर्ट पर सबको विश्वास है। जो मामला आया है संज्ञान में वो निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रही है। जेवीएम विधायक प्रदीप यादव पर यौन शोषण मामले को लेकर दुष्कर्म के प्रयास समेत 7 धाराओं में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रदीप यादव को पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। अब जबकि प्रदीप यादव ने सरेंडर कर दिया है तो देखना होगा कि केस की पड़ताल आगे कैसे बढ़ती है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। एक तरफ जहां अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सदन को बाधित कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस ने रांची की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मॉब लिंचिंग, कानून व्यवस्था, विकास और रोजगार के मुद्दे पर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और विधानसभा का घेराव किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए। राजधानी रांची में यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। शहर का बिरसा चौक गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोरदार विरोध का साक्षी बना। सूबे में मॉब लिंचिंग की बढ़ती वारदातें और लचर होती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपना विरोध जताया। यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को कई कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों का भी समर्थन मिला। राज्य में सुखाड़ है, राज्य अकाल की तरफ बढ़ रहा है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहे, कितनी परेशानी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बिरसा चौक बैरिकेडिंग कर सभी को रोक दिया। इस दौरान कई कांग्रेसी पुलिस से उलझते भी नजर आए। कहती है खाना देंगे, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि भाई लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। करीब 3 घंटे तक चली लंबी गहमा गहमी के बाद आखिरकार पुलिस ने सैकड़ों कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने एक पत्र का हवाला देते हुए झारखंड विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड के एमडी पर 2.5% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज कंसल्टेंसी के टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा पलामू और डाल्टनगंज प्रोजेक्ट के लिए कमीशन का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अब तक शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। हेमंत के आरोप पर झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा है कि आरोप लगाना आसान है, इस सरकार में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगे हैं, आरोप कोई भी लगा सकता है पर कोई प्रमाण नहीं मिला है। और विशेषकर उस विभाग के मंत्री जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके जानकारी में होने के बावजूद भी ये चीजें चल रहा है। सालाना लगभग 2000 करोड़ से अधिक का बजट इस बोर्ड में है, विद्युत निगम में है,
और कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने की लूट कर रही है। ये विपक्ष तो आरोप लगाना उनका काम है और तथ्य से परे आरोप है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। देखिए ये विषय थोड़ा सा अंदर में भी आया था हाउस के अंदर में, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आप बता रहे हैं तो हेमंत जी ने बोला ही होगा, लेकिन क्या है ना कि आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी के लिए भी आरोप लगा सकते हैं, तो आरोप लगाए अलग विषय है, बाकी सरकार के संज्ञान में आ गया, सरकार जब उसको देखेगी। जो वो आरोप लगा है वो आरोप ही है, वो राजनीति है। आप आरोप यदि है तो आप मांग करते हैं या कहीं पर रखते हैं तो सरकार उसको देख करके दिखा लेगी, क्या दिक्कत है उसमें। ये सरकार का सबसे बड़ा रेपुटेशन यही है कि सरकार में एक भी भ्रष्टाचार के ना आरोप है। आरोप आप लगा सकते हो लेकिन कभी भी किसी भी चीजों में इसको ना प्रमाणिकता मिली है ना कोई साक्ष्य मिला है। रांची में खुला नाला एक मासूम बच्चे की मौत का सबब बन गया। हालांकि मासूम की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना ने एक घर की रौनक छीन ली। सिस्टम की लापरवाही से 5 साल की मासूम की गई जान, फलक की मौत, हादसा या हत्या। लाल कपड़े में तैरती ये बच्ची फलक है जो जिंदगी की जंग हार चुकी है। फलक ट्यूशन के लिए घर से तो निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी। भारी बारिश और सिस्टम की घोर लापरवाही ने फलक की जिंदगी छीन ली। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, अजीब सा सन्नाटा है और इस सन्नाटे से निकल रहा है तो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ गुस्सा। ये आपका क्या बोलते हैं नाला, पीपी कंपाउंड ये जगह है, और ये नाला जो खुला हुआ है ना, नाला खुला हुआ इसी की वजह से कितने लोग भी हादसा में आदमी की जान जाती है। और इस तरह का हादसा हर साल होता है बरसात में। पिछले साल भी एक वाकया हुआ जिसमें एक बच्चे की जान चली गई, उससे पहले भी एक छज्जा गिरा तो 3 बच्चे 2 बच्चे की जान चली, 5 बच्चे की जान चली गई। 5 साल की मासूम के जनाजे को कंधे पर उठाने का दर्द असहनीय है। निगम की लापरवाही ने इनसे इनकी बच्ची छीन ली। सारा गुस्सा निगम के ऊपर फूट रहा है। तो इसको हम लोग एक हादसा नहीं, एक मर्डर कह सकते हैं। ये नगर निगम के द्वारा मर्डर किया गया है। हम लोग तो सब उसको हम लोग सर्वे कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नाला खुला हुआ है, हम लोग कहाँ तक उसको ठीक कर सकते हैं। अब उसको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग नाला को ढकने का प्रयास करेंगे। हादसे पर दुख जताते हुए नगर विकास मंत्री CP सिंह जहाँ जांच के बाद कह रहे हैं तो वहीं कांग्रेस ने इसे घोर लापरवाही करार दिया है। निश्चित रूप से उस परिवार पर एक तरह से पहाड़ टूटा है। मैं इतना ही आज के दिन कह सकता हूँ कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। देखिए मैंने कहा था कि मंत्री जी जो है लापरवाह मंत्री हैं और 200 करोड़ का टेंडर नाली में होता है लेकिन नाली का ढक्कन ये लोग नहीं बनवा पाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के सर में गहरे जख्म थे और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि चुलबुली फलक अब दुनिया में नहीं है। कामरान जी मीडिया रांची। फलक की मौत से इलाके में मातम है और लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। नाले में खामोश हुई मासूम सिसकियां, रांची के ध्वस्त सरकारी सिस्टम को नाले में फेंको। सड़े हुए सिस्टम से मासूमों को बचाओ। अंदर से खोखले हो चुके सिस्टम का रियलिटी चेक करने की ठानी जी बिहार झारखंड ने। 5 साल की मासूम फलक के गुनहगार कौन है ये जानने के लिए हम निकले। सड़ चुके सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा चारों ओर था। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा था पार्षद पर और गुस्सा जायज भी था क्योंकि एक मां ने
अपने कलेजे के टुकड़े को खोया था। हम जिस जगह मौजूद हैं वो स्थानीय पार्षद साजदा खातून का घर है और घर के आसपास की हम तस्वीर अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये साजदा खातून का घर ही है लेकिन उसके पास के जो नाले हैं वो नाला भी ढका नहीं है और कभी भी ऐसे खुले नाले हादसे को आमंत्रित एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से रोड खुला हुआ है, नाला हुआ, जी हाँ, एकदम अब कभी भी हादसा हो सकता है, बड़ा का भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, गाड़ी कार किसी कुछ भी हो सकता है। देखिए ये गाड़ी आ रहा, हम चल रहे साइड में, वो नाला में चले जाएंगे तो किसी के भी हाथ पैर टूट सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मौत ही आ सकता है। फलक के पड़ोसियों का कहना था कि जरूरत है सिस्टम को सुधारने की, नहीं तो आज फलक है और कल कोई और होगा। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? बोल गए नाले के लिए लोग कंप्लेन किए हैं मगर कंप्लेन नहीं होती है। 3 साल से बोला जा रहा है मगर वो ध्यान नहीं दे रही है। आज बना देती तो हमारे बच्चे का जान नहीं जाता, इसका जिम्मेवार साजदा खातून है। बच्चे की मौत पर हेमंत सोरेन ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर FIR होनी चाहिए। मौत के दायरे में आता है, आज इनमें सभी पर FIR दर्ज होना चाहिए। सड़े हुए सिस्टम पर जी बिहार झारखंड के सवाल है कि किसकी लापरवाही से हुआ हादसा, नाले में कैसे बही बच्ची, बरसात में नाले के पास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, जिला प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश क्यों नहीं दिए गए थे, माननीयों के शहर में इतनी बड़ी जानलेवा लापरवाही कैसे। गौरतलब है कि पिछले 4 सालों में शहर में सड़क बनाने के काम पर नगर निगम और पथ निर्माण विभाग ने 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए और 1 साल पहले नाला रोड की नाली को व्यवस्थित करने का दावा तो किया गया लेकिन हकीकत आपके सामने है। कामरान, जी मीडिया, रांची। किसी के आंगन की किलकारी खत्म हो गई, घर का चिराग उजड़ गया, सितम का सैलाब उमड़ा है लेकिन हुक्मरानों को इससे क्या लेना देना, ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार को रांची के नाले में फलक नहीं डूबी बल्कि रांची को सवारने वाला वो सिस्टम डूब गया जो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सिसकियों पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो अफसरदान आगे की कार्रवाई पर जवाब दे रहे हैं। किसी के घर के चिराग उजड़ने पर जिरह की जा रही है तो अफसरदान फिर आगे की कार्रवाई पर जवाब दे रहे हैं। कोई इन्हें बताओ, ये मजाक नहीं चल रहा, फलक का कातिल कौन है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। लेकिन ये तो ठहरी महापौर, अपने मन मुताबिक जवाब देंगे। आज उसका कार्रवाई के लिए हम टीम भेज रहे हैं और देखने के बाद जहाँ जहाँ लगता है वो पूरा उसका कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से पीपी कंपाउंड में घुसते के समय का जो नाला है उसका भी प्रोविजन पहले से दिया हुआ हो गया है, 1-2 दिन में उसका भी योजना चली जाएगी और काम भी हो जाएगा। मैडम महापौर, आपकी सभी बातों से इत्तेफाक रखा जा सकता है लेकिन उस बदनसीब माँ को कौन बताए कि आपके सिस्टम ने फलक की सांसें छीन ली? अब साहब डिप्टी मेयर को घटना पर दुख है। देखिए कल जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना थी और कल भी मैं वहां गया था, देखा, कहा, सुना, सब कुछ हुआ। तो साहब आपके दुख से वो परिवार क्या करेगा? आपको नगर सवारने का जिम्मा दिया गया है, नगर का चिराग उजाड़ने का नहीं। हाँ, अब आपके पास भी इससे निपटने की योजना और परियोजना होगी तो भोली जनता को ही बता दीजिए। सरकार के पास भी एक रिमाइंडर भेजा जाएगा कि जो पैसे की मांग हम लोगों ने पिछले वर्ष किया था वो दे, और जब तक नहीं देती है तब तक ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में हम लोग स्लैब निर्माण का कम से कम काम करके अब ऐसे जगह को बंद करने का प्रयास। शर्म है इस सिस्टम पर और सिस्टम के ऐसे GPR पर। फलक की मौत का हिसाब देना है तो अपने गिरेबान में झांक कर खुद को अपने काम का पहले जवाब दीजिए, फिर जनता को बरगलाइए। रांची से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
रांची के कई इलाके इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, जिससे बोरिंग ठप पड़े हुए हैं और अब लोगों को नगर निगम के टैंकर्स का ही सहारा है, क्योंकि कई इलाकों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई नहीं होती। अब सवाल उठता है कि क्या महज एक दो टैंकर 4-5 हजार की आबादी में पानी की कमी पूरी कर सकते हैं? जवाब है शायद नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए मशक्कत जारी है। गर्मी में शुरू हुई पानी की किल्लत मानसून में भी भारी है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि रांची के कई इलाके अभी भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हरमू, विद्यानगर, रातू रोड, किशोरगंज और मधुकम जैसे इलाकों में पानी के लिए कोहराम मचा है। आलम यह है कि जैसे ही नगर निगम का टैंकर इन इलाकों में पहुंचता है, पानी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई अपने अपने बर्तन को भरने की कश्मकश में जुट जाता है। कर तो होता ही है, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि नगर निगम वाला आता ही है। हफ्ता में 2-3 दिन, 1 दिन करके बीच कर करके आते हैं। हजारों की आबादी और महज कुछ टैंकर, समझा जा सकता है कि प्यास बुझाने की जद्दोजहद कई बार झड़प का सबब बन जाती है। पारा बढ़ने की वजह से वाटर लेवल कई फीट नीचे चला गया है, जिससे बोरिंग भी काम करना बंद कर चुका है। आरोप है कि अगर नगर निगम इन इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई करता तो आज हालात इतने बदतर नहीं होते। पहले क्या था कि सिर्फ बुट्टी मोड़ में था जल मीनार, और वहीं से पूरे रांची को सप्लाई होता था, तो अंतिम व्यक्ति तक पानी नहीं पहुंच पाता था। अभी प्रत्येक वार्ड में जल मीनार रहेगा और जल मीनार के माध्यम से 3 किलोमीटर तक के लोगों को पानी मिलेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है और वो काम चल रहा है। गर्मी से शुरू हुई पानी की किल्लत अगर मानसून में भी जारी है, हजारों की आबादी बूंद बूंद के लिए परेशान हो रही है, तो सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। और इसी के साथ खबर झारखंड में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।